अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुक बुक विद एमन। आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड ट्राई करने, वो भी मुंबई के फेमस रेस्टोरेंट में, जो है जीजी जलेबी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दीजिए। तो आ गए हैं मुंबई के फेमस रेस्टोरेंट, जो है जीजी जलेबी। इसके नाम से आप लोग को लग रहा होगा कि इनके पास जस्ट जलेबी या फिर डेजर्ट्स मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है। जीजी जलेबी इज़ फेमस फॉर देयर जलेबी एंड अदर डेजर्ट्स, बट दे ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ स्पाइसी डिशेस। तो ये है इनका मेन्यू। अब हम करते हैं ऑर्डर। तो सबसे पहले हमने इनका बारबेक्यू फेमस जो है वो सीख पराठा वो ऑर्डर किया है। ये बहुत ही डिलीशियस जूसी होता है। जब आप इस कबाब को चटनी में डिप करके खाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, मुंह में जाके घुल जाने वाला इस तरह से ये कबाब है। इसके जो प्राइस हैं वो है 14 दिरहम्स। तो यहाँ पे मेकिंग हो रही है नान चाप की, जो चिकन और मटन दोनों में होता है। ये कीमे के अंदर स्पाइसेस ऐड करके उसको तवे के ऊपर भुना जाता है। अच्छा, इसके साथ आपको चिकन चीज़ नान चाप भी मिलता है और मटन चीज़ नान चाप भी मिलता है, बट फेमस जो है वो इनका चिकन और मटन विदाउट चीज़ के है। तो ये बहुत ही डिलीशियस होता है। इसको आप जब भी जाएं जीजे जलेबी पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली मटन का। तो हमने तो यहाँ पे दोनों ही ऑर्डर किए थे, मटन और चिकन दोनों। तो ये देखिए, इस तरह से इसके अंदर जो है वो कीमे की फिलिंग की जाती है। इसके जो प्राइस है वो है 14 दरम चिकन के, एंड मटन के हैं 18 दरम्स। उसके बाद हमने इनका तंदूरी में से जो फेमस है वो है चिकन कंदारी। ये आप स्टार्टर पे भी खा सकते हैं और रुमाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं। चिकन के ऊपर जो इन्होंने ये सॉस डाला हुआ है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। इसके जो प्राइस है वो है 23 दरम्स हाफ के। तो अब बारी आ जाती है जिस वजह से जेजे जलेबी इतना फेमस है, वो अपने स्वीट डिश की वजह से फेमस है। तो आप हम वो ट्राई करने वाले हैं, और ये मेकिंग हो रही है मालपुआ की। जेजे जलेबी का कहना है कि अगर आप जेजे जलेबी आए और मालपुआ ना खाए तो आपने कुछ ना खाया। तो ये कर रहे हैं इसको फ्राई, ये मैदा, एग, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर सब मिक्स करके इसको जो है वो फ्राई कर रहे हैं, और ये डीप फ्राई हो रहा है। उसके बावजूद भी ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं था। तो मालपुआ जो है वो हमारा रेडी होके आ चुका है। इसके ऊपर इन्होंने टॉपिंग करी हुई है रबड़ी की, और ये सही में बहुत ही डिलीशियस था। कि उनकी जो लाइन है कि आप जेजे जलेबी आए और मालपुआ ना खाया तो कुछ ना खाया। इसके जो प्राइस हैं सिंगल के वो हैं 20 दिरहम्स। तो अब बारी आ जाती है रबड़ी जलेबी की। ये जलेबी के ऊपर इस तरह से रबड़ी को डाल के जो खाने का मज़ा है वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। ऐसा नहीं है कि जलेबी में भी मीठा है और रबड़ी में भी मीठा है तो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मीठा जो है वो बिल्कुल बैलेंस होता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आप लोग को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।